तपती धूप में ठंडक का एहसास भी ये ब्रिज करा रहा है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है, आज का अपडेट बहुत ही खास है। निवेदन है कि बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, खराब लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि बिहार के विकास की तस्वीर आप तक हम पहुंचाते हैं, आप औरों तक पहुंचाएं। और हाँ, सब्सक्राइब के बगैर नहीं जाइए। मुझे पता चला है कि बहुत दिनों से आप मेरा अपडेट देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया निवेदन है कि सब्सक्राइब करें और उसे भी करवाएं। एक बात बताता हूँ कि जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं 2024 में लोगों को इसका लाभ मिलेगा, ये मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। इनके काम का जो स्पीड है उसे देख करके इनको सलाम ठोकने का मन कर रहा है। दोस्तों आज का अपडेट बहुत ही खास है, 0 माइल से लेकर के यहाँ तक की अपडेट यानी कि पाया नंबर 46 पे कितना काम हुआ है नए वाले गाने से तुका, वो सारा आपको हम बताने जा रहे हैं इस अपडेट। ये पटना का 0 माइल है, इस तरफ पटना है और देख सकते हैं कि उस तरफ पटना मेट्रो का काम चल रहा है, उसके पाए का निर्माण चल रहा है। पटना मेट्रो यहाँ से होते हुए इस तरफ सीधा चला जाएगा पटना गया रोड में, पाए आपको पटना मेट्रो के दिख रहे हैं। ये पटना बाईपास में जो अंडरपास है 0 माइल के पास, जिधर से बस स्टैंड की तरफ से जो बसें आती है वो इस तरफ से होते हुए हाजीपुर की तरफ जाती है, मुजफ्फरपुर की तरफ जाती है। खुशे हुए गम बढ़ते जाए कदम, ना थके आप और ना थके हम, बिहार के विकास की गाथा आप तक पहुँचाते हैं। उसी कड़ी में आज आपको नए वाले महात्मा गांधी सेतु का अपडेट देने जा रहे हैं। 0 माइल से थोड़ा आगे आने पे ये देखिए, यहाँ पर आपको नाले दिख रहे होंगे, ये नाला का निर्माण हुआ है यहाँ पर, और नाला के बगल में समझिए कि ये सारा रोड का पोर्शन होने वाला है। और ये जो हाई टेंशन तार है, ये हाई टेंशन तार के लिए ये शिफ्ट होगा। अभी ट्रकें यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन ये आपको समझिए कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग आपको मेन रोड पर आएगा। जो तारे हैं, बिजली की जो तारे हैं, वो भी वहाँ पे देखिए, नया कनेक्शन वहाँ पे हुआ है, ये शिफ्ट हुआ है, यहाँ से हट गया है, ये देख सकते हैं। तो ये सारा काम हो रहा है यातायात को दुरुस्त करने के लिए, और यातायात को दुरुस्त तभी किया जा सकता है जब आप भी थोड़ा अलर्ट हो, और जहाँ तहाँ गाड़ियों को जो पार्क कर देते हैं, रोक देते हैं, अचानक रोक देते हैं, वो ना करेंगे तो शायद ये डेवलपमेंट जो देखिए रोड वहाँ पे है, और रोड को छोड़ के हम इधर आना है। ये यहाँ से इसका फ्लाईओवर देखिए, ये फ्लाईओवर का जो है ये साइड वॉल जो है, ये साइड वॉल यहाँ पे बन रहा है, तो ये फ्लाईओवर का पोर्शन होगा। यानी कि जो अभी जो नए वाले गांधी सेतु का जो रोड है, ये देखिए उसका ये साइड वॉल का ये रखा हुआ है, तो अभी जो नए वाले गांधी सेतु में क्या होता है, कई जगह पे जाम लगता है, जैसे धनकी मोड़ पे जाम लगता है और भी जहाँ जहाँ कट है वहाँ पे जाम लगता है, तो वो समस्या खत्म हो जाएगी। ये आपका सर्विस लेन हो जाएगा और ये पोल भी हट जाएगा और वो आपका साइड वॉल हो जाएगा फ्लाईओवर का। अब वॉल जो है ऊँचा होता चला जा रहा है, ये वॉल ऊँचा हो गया, यानी कि ये फ्लाईओवर वो काम चल रहा है, वो देख सकते हैं रोलर चल रहा है, मिट्टी को ठोस करने का काम कर रहा किया जा रहा है। तो जो चौड़ाई भी होगी फ्लाईओवर की, वो भी अच्छी खासी होगी। लेकिन 8 लेन का पुल बन रहा है, 4 बन रहा है, लेकिन जो रोड होगा हमको लगता है 10 प्लस ही होना चाहिए। मिट्टी ना उड़े उसके लिए पानी पटा रहे हैं, और धूप इतनी है कि ये पानी या तो सूख जा रहा है, या वो पहला अंडरपास आपको दिखता है और उधर जो पुरानी वाली सड़क है वो आपको दिख रही है, तो ये है। और यहाँ से फिर ढलान, इधर से इस तरफ का ढलान 0 माइल की तरफ, और इधर इस तरफ ढलान है धनकी मोड़ की तरफ, और क्लियर चौड़ाई आपको सर्विस लेन की दिखेगी। ये देखिए, ये सर्विस लेन की क्लियर चौड़ाई आपको यहाँ पर दिखने जा रहा है, ये देखिए गहराई इसकी, ये सीधा जा रहा है और उस तरफ भी फ्लाईओवर बन रहा है, जब उधर चलेंगे तो आपको दिखेगा, तो ये देख सकते हैं। और जो नीचे इधर जाने वाले हैं वो इधर से ही सीधा चल जाएंगे, ये काम हो रहा है इस तरफ, ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काम हो रहा है और रास्ता नहीं है, तो मुझे लगता है कि जाना होगा इधर से। उस तरफ से रास्ता नहीं था तो घूम करके हमको इधर आना पड़ा है, और हम धनकी मोड़ के तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ से आपको नीचे से तस्वीर आपको दिखा चुके हैं। ये फ्लाईओवर का काम देखिए, मिट्टी वगैरह जो डिवाइडर था पहले का, वो डिवाइडर अब ढक चुका है मिट्टी से। वो सामने जो हाई टेंशन पोल दिख रहा है वहीं से भी हम लौटे। ये धनकी मोड़ है जिसके बारे में बार बार हम बता रहे हैं, और ये आपका नया अंडरपास है, देख सकते हैं लेवल रोड के लेवल पे ही अंडरपास है, लेकिन नीचे से आने जाने का ये किया गया है, तो समझ जाइए कि यहाँ पे जो रोड का जो हाइट होगा यही होगा, क्योंकि उधर से फ्लाईओवर बनते हुए आ रहा है और यहाँ पर हमको लगता है कि लेवल में आ जाएगा। और ये देखिए उधर भी फ्लाईओवर बन रहा है, तो इसका कुछ जो
डिजाइन है कुछ अलग होने वाला है। देखिए उस लेवल पे जहाँ से ट्रक मुड़ रहा है वो वहाँ से देखिए, वो लेवल देखिए, और लेवल के बाद ये देखिए ये हाइट है इसका जो फ्लाईओवर का जो ये है, और आगे भी उतरने का है तो उधर उससे उसके लेवल में हमको लगता है कि ये आ जाएगा। फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर का जो पैदल चलने वाला है वो थोड़ा जर्जर स्थिति में हो गया तो उसको बनाने की ज़रूरत है। और सामने देख रहे हैं कि रेलवे लाइन है जो पटना से हावड़ा तक जाती है और उधर पटना से दिल्ली की तरफ जाती है, और यहाँ पर वो बनता हुआ आ रहा है, इस तरफ से आएगा और हमको लगता है किसी सीट में वो जो आपको बिस्कोमान कॉलोनी की तरफ जाने वाला है उधर से जाकर के मिल जाएगा। नए वाले गांधी सेतु के गटर को कास्ट किया जा रहा है ये देखिए, और इस तरफ रेलवे ने अपना वॉल भी बना लिया है, ये देखिए रेड रंग का जो है ये वॉल भी इधर बना हुआ है, उधर भी वॉल बना हुआ है, वॉल के बीच में रेलवे लाइन है। यहाँ से अगर गांधी सेतु का ऊपर से नए वाला गांधी सेतु का ऊपर से अपडेट देना होगा तो ऊपर जाना होगा, लेकिन हम इधर से जा रहे हैं। यहाँ भी ये देखिए मिट्टी को समतल कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये सब काम यहाँ पर चल रहा है इनका। और इस तरफ से हम जाएंगे, यहाँ पर देखिए बिस्कोमान बोर्ड भी लगा हुआ है और गायघाट जाने का रास्ता है टर्न करके, तो हम इधर से चलेंगे और चल करके उधर जो काम हुआ है उसका अपडेट आपको देंगे। अब देखिए यहाँ पे पाए का निर्माण हो रहा है, मटेरियल भी यहाँ पे रखा हुआ है। आप अंतर देखिए नए वाले गांधी सेतु और पुराने वाले गांधी सेतु के निर्माण की, इनका अप्रोच रोड है पूरा मिट्टी से है और ये मिट्टी किस से ही गया, मतलब पुल इनका था पहले कहाँ पर है, मुर्की मंडी है, गोलंबर है, वहां पर था, लेकिन ये पूरा पुल लेकर के आ रहे हैं। एक तो सुपर स्ट्रक्चर का पुल होगा, दूसरा गडर ब्रिज होगा, पियर कैप है, कास्ट कर रहे हैं, कास्ट हो चुका है और उधर कास्ट करने की तैयारी है, सरिया वगैरह बांधा जा रहा है, ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। छड़ बहुत पतला पतला बीच में दिख रहा है और ऊपर से मोटा छड़ को देख किया गया है। एक बात तो तय है कि जिस स्पीड से ये काम कर रहे हैं वो स्पीड इनका बता रहा है कि 24 में ये पुल को, हमको लगता है कि ये चालू करने के एकदम पूरा टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि लक्ष्य जो दिया गया है, जो समय का निर्धारण किया गया है पुल को चालू करने का, वो एकदम हो जाए। ये सब पियर कैप बनना बाकी है लेकिन ये बनाने में इनको कोई खास ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, ये तय सी बात है। और उधर लॉन्चिंग भी कर दिए हैं इन्होंने, कई गडर को लॉन्च कर दिया है, बना भी दिया है ऊपर, ये सब तो मैंने आपको दिखाया ही है और आपको दिखाएंगे। देखिए मिट्टी वाला पोर्शन गांधी सेतु का और वो जहाँ पर उनका जो पुल है, जो पुल उनका समाप्त हुआ, लेकिन इस वाले में जो मैं बता रहा था यहीं से यहाँ तक ये समाप्त नहीं कर रहे हैं पुल को, नहीं तो मिट्टी भर करके फिर जाना, फिर चौड़ाई कम जाता, तो ये सीधा पुल लेकर के ही उधर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक तो उधर आपका फ्लाईओवर हो गया, ये बेल टाइप का जैसा मेन ब्रिज में है बेल टाइप का, उस टाइप का यहाँ पर ये इस नाले पे ब्रिज बना रहे हैं, वहाँ पर दो बेल सिंकिंग करने के लिए वहाँ पे तैयार है और इस तरफ हो चुका है, ये बेल पाया होगा जो इस फ्लाईओवर के पास होगा। तो ये है सैदपुर नाला है ये, जो बाईपास में जाकर के मिलता है पहाड़ी पर। काम की स्पीड को लेकर सलाम ठोकने का मन कर रहा है, क्वालिटी क्या है वो जो क्वालिटी कंट्रोल करने वाले हैं वो देखें कि कैसी क्वालिटी का बन रहा है, लेकिन इनका काम का स्पीड सलाम कर के काबिल है। ये देख सकते हैं गुरकी मंडी, FNS एकेडमी, त्रिपोली अस्पताल, मीना बाजार, बड़ी पटन देवी जाने के लिए, यहाँ पर देखिए नाले का निर्माण, समझ सकते हैं रोड के लेवल में नाले का निर्माण हो रहा है, यूटिलिटी के लिए निर्माण हो रहा है। पाया नंबर 25 है, 26 उसके बाद है, तो ये कई पाए इसमें आपको देखेंगे जो आपको फ्लाईओवर का पाया होगा, और यहाँ पर इन्होंने गडर को लॉन्च कर दिया है, इनका जो फुटपाथ है वो भी इनका ये है, उससे पुल ये वाला ऊंचा है ये भी देख लीजिए, तो ये सारा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। इस तरफ आप गायघाट की तरफ बढ़ जाएंगे और गायघाट की तरफ बढ़ करके देखेंगे तो देखेंगे कि एक सीट में आपको काम इसका दिख सकता है, और नीचे जो रोड की चौड़ाई है यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं कि रोड की चौड़ाई कितनी मिलने वाली है। नीचे चलने वालों को, खास करके बाइक सवार चालकों को काफ़ी राहत मिलने वाली है गर्मी के तपिश में। अभी देख सकते हैं कि कितना छांव है और इसमें से जितनी गर्मी लग रही थी आने में उतना ही अब यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ठंडक का एहसास हो रहा है। और चौड़ाई आप देख सकते हैं रोड की कि कितना चौड़ा ये रोड बनने वाला है। गायघाट के पास की जो सड़क है, जो गायघाट के नाम से ही जाना जाता है, और इस तरफ आप तख्त श्री हरमंदिर जी साहब चले जाएंगे, मतलब गुरुद्वारा चले जाएंगे, जो बिहार का सबसे सस्ता मंडी है मारुसगंज वो आप यहाँ चले जाएंगे, 6-7 किलोमीटर की दूरी की तरफ गांधी मैदान चले जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ये पाए और वो पाए, दोनों पाए के बीच में सड़क आ रहा है, और अब हम बढ़ चले हैं नदी की तरफ, गंगा नदी है ये देखिए, ये मंदिर था है ऊपर वाला माला इसका
ये हुआ है, ये देखिए यहाँ पे पुल का जो गैप है वो भी बढ़ गया है। और बहुत ही हिसाब से ये लोग सोच समझ के लगाते हैं कि इनका जो आने वाला काम बाधित ना हो। देखिए ये लगा देते बहुत पहले क्योंकि इनके पास नक्शा होता है। ये देखिए ये आपका जल मार्ग पथ है, ये आपका राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान का कार्यालय है, ऑफिस है, गेट है, और ये पुल उसी उस उधर से क्रॉस होके जा रहा है। ये देखिए ये उधर चल करके हम आ गए यहाँ पर नदी के पास, जो नए वाले यहाँ सेतु का काम चल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए इनका वेल, इनका जो पाया है, जो जहाज नुमा जो स्ट्रक्चर बन रहा था लोहे का, उसके बाद ये सब तैयार हो गया है। और ये पुल वहाँ पर देखिए जहाज नुमा स्ट्रक्चर बीच में आपको जो दिख रहा है 43 नंबर पे आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन 43 नंबर पे वो लगा हुआ है। और ये पाए वेल्सिंग का काम, और यहाँ पे मटेरियल लेकर जाने वाला बोट भी खड़ा है जहाँ से जिसमें मटेरियल जाता है उस तरफ। तो बीच में नदी में आपको इस नए वाले गांधी सेतु का 4 पाया बनना है, 3 पाया दिख रहा है, एक 45 पे है, 43 पे है, और फिर 41 पे है, और उसके बाद सूखी हुई जमीन है, मात्र 3 पायों पे ये नए वाले गांधी सेतु 3 पायों पे ये सिमट जाएगा। यहाँ पे वेल सिंकिंग के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ये भी अभी रुका हुआ है, अभी यहाँ पे ये आपका क्रेन है, और यहाँ पे वेल सिंकिंग के लिए यहाँ पे ये लगा हुआ है। और ये जो गहराई है ये हमको लगता है कि लगभग 48 मीटर के करीब नीचे ज़मीन में जा चुका है, और ये बचा हुआ है इतना भाग जाना बाकी है। ये छोटा वाला पाया है, बड़ा वाला पाया आपको बीच में आपको 45 नंबर पर दिख रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि इसके जो पाए हैं गांधी सेतु के 3 पायों के बीच में इसका 2 मेजर पाया है और 1 छोटा वाला पाया, तो 46 नंबर पे इसका छोटा वाला पाया है, फिर 45 पे इसका बड़ा वाला पाया है, 44 पे अभी नहीं लगा है, 43 पे फिर बड़ा वाला पाया है, बीच में जो पाए छोटे वाले हैं वो इसमें शायद बनना है, या देखिए क्या इसका जो स्ट्रक्चर है वो है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं नए वाले गांधी सेतु का। मैंने इसका सारा अपडेट आपको पासवान चौक है रामाशीष चौक गोलंबर से लेकर के 0 माइल तक का पूरा अपडेट आपको 3 भाग में दिखाया है। आप देख सकते हैं इसके पहले के 2 वीडियो में आपको वो आपको दिखेगा, एक तो रामाशीष चौक गोलंबर पे कितना काम हुआ है, पासवान चौक पे कितना काम हुआ है, जड़ुआ में कितना काम हुआ है, नीचे कितना काम हुआ है, वो सारा कुछ आपको एक सीध में दिखेगा। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका नए वाले गांधी सेतु का अपडेट है। उम्मीद है आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इन द सेन का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।